हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, वीडियो में बात करेंगे कि आप ग्रेफाइट और चारकोल को किस तरह से साथ में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि चारकोल को ग्रेफाइट के साथ में यूज़ नहीं करना चाहिए डार्क एरियाज के लिए, हेयर के लिए। जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं गलत यूज़ करता हूँ, काफ़ी लोग मुझे भी बोलते हैं। बट इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा काफ़ी चीज़ें जो कि मुझे लगता है, मैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो कि चारकोल और ग्रेफाइट दोनों को यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छा ड्रॉ करते हैं। तो अपने हिसाब से मैं बताऊँगा और आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। तो लेट्स सी, ग्रेफाइट और चारकोल में डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। ग्रेफाइट में शाइन होता है और जो चारकोल होता है वो काफ़ी डार्क होती है और उसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होता है। जो राइट साइड में है वो है चारकोल और लेफ्ट साइड में है ग्रेफाइट। तो अगर दोनों को आप देखोगे, दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। चारकोल में आपको बिल्कुल भी शाइन देखने को नहीं मिलेगा, बट ग्रेफाइट में अगर सामने से लाइट पड़ेगी तो आपने कुछ भी ड्रॉ कर रखा होगा आपको अच्छे से दिखेगा ही नहीं। और ग्रेफाइट में चारकोल या फिर चारकोल में ग्रेफाइट कोई मिक्स होता भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए अगर आप इस तरह से ऊपर से करने की कोशिश करोगे। तो सिंपल सी मैं दो आई ड्रॉ करता हूँ, एक में मैं ग्रेफाइट और चारकोल दोनों का यूज़ करता हूँ और एक में ओनली चारकोल का यूज़ करता हूँ। तो आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो राइट साइड में, उसमें मैंने ग्रेफाइट और चारकोल दोनों का यूज़ किया और उसमें आपको शाइन भी देखने को मिल रहा है, थोड़ा डिफरेंस इफेक्ट दिख रहा है। बट लेफ्ट में आपको ओनली मैंने चारकोल का यूज़ किया तो उसमें आपको ओनली डार्क ही दिख रहा होगा। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। और शाइन हमको बिल्कुल डार्क एरियाज में दिखता है अगर आप ग्रेफाइट से कोई डार्क एरियाज करोगे। अदरवाइज अगर बिल्कुल लाइट करोगे इस तरह का तो आपको बिल्कुल भी शाइन देखने को नहीं मिलेगा ग्रेफाइट में भी। तो देख लो, ग्रेफाइट और चारकोल दोनों सेम ही लग रहे हैं लाइट शेडिंग में। बट अगर मैं बात करूँ डार्क शेडिंग की, तो आपको ग्रेफाइट में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शाइन देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि ग्रेफाइट और चारकोल को बिल्कुल सही तरह से किस तरह से हम अपनी ड्राइंग्स में यूज़ कर सकते हैं कि हमारी ड्राइंग सुंदर लगे। मैं कुछ स्ट्रोक से लगा रहा हूँ जैसे हेयर ड्रॉ करते हैं। चारकोल से मैंने इसको शेड कर दिया, मैं इसको ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड कर देता हूँ। अब अगर हम इसमें ग्रेफाइट का यूज़ करेंगे ऊपर से, अगर इस तरह से स्ट्रोक्स लगाएंगे तो वो गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट उसके ऊपर से फिर दिखेगा, फिर शाइन मारेगा और ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी। सो गाइस, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ग्रेफाइट से ड्रॉ करें तो ग्रेफाइट से ही करो और चारकोल से करें तो चारकोल से ही करो, ऊपर से मिक्स मत करो बिल्कुल भी, नहीं तो इस तरह का शाइन सा दिखेगा जो कि बिल्कुल भद्दा लगता है और फिर इसके ऊपर से हाइलाइट्स भी नहीं पाते हैं। अगर ग्रेफाइट से ड्रॉ करें तो जगह छोड़ो, अगर चारकोल से ड्रॉ करें तो उसके ऊपर से आप हाइलाइट्स कर सकते हैं। बट अगर आपने हल्के फुल्के हेयर ड्रॉ करने हैं कुछ इस तरह से, जो कि बिल्कुल लाइट लाइट होते हैं इस तरह से पतले पतले, तब आप ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल मैकेनिकल पेंसिल का या फिर बिल्कुल शार्प पेंसिल का। तब भी आपने चारकोल के ऊपर से ओपन करना है तो फिर शाइन दिखेगा। साइड साइड में इस तरह से कर सकते हैं, मैं भी आपको दिखा दूंगा मेरी जो मैंने ड्राइंग बनाई उसमें किस तरह से किया है। ये ड्राइंग बनाई थी मैंने काफ़ी टाइम पहले और इसमें मैंने ग्रेफाइट और चारकोल दोनों का यूज़ किया था, तो इसमें मेरी मिस्टेक्स बताता हूँ मैं आपको। अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मैंने ग्रेफाइट का यूज़ कर दिया और यहाँ पे मैंने चारकोल का यूज़ कर दिया। यहाँ पे आईज़ में भी मैंने कहीं पे ग्रेफाइट का यूज़ करके, कहीं पे चारकोल का यूज़ करके, तो आपको कहीं पे शाइन दिख रहा होगा और कहीं पे बिल्कुल ब्लैक एरियाज दिख रहे होंगे जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें मैंने आधी आईब्रोज में तो ग्रेफाइट का यूज़ कर दिया, आधी में चारकोल का यूज़ कर दिया जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपको आईब्रो ड्रॉ करनी है, आई और आईब्रो में मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको आई और आईब्रो ड्रॉ करनी है तो अगर आप ग्रेफाइट से ड्रॉ कर रहे हो तो कंप्लीट ग्रेफाइट से ही करो, अगर कंप्लीट चारकोल से कर रहे हो तो कंप्लीट चारकोल से करो, ऐसे बिल्कुल भी मत करो। सो मैं आपको मेरी मिस्टेक से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि बिगिनर्स काफ़ी मिस्टेक करते हैं ये। इसमें भी मेरी सेम मिस्टेक है, मैंने चारकोल के ऊपर से ग्रेफाइट का यूज़ कर दिया था हेयर में, जो कि आप देख सकते हैं शाइन सा दिख रहा है। यहाँ पे और भी काफ़ी आर्टवर्क्स मैंने बनाए हैं चारकोल और ग्रेफाइट का यूज़ करके, जिनमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स किया है स्टार्टिंग में, मैंने वीडियोज़ भी अपलोड किए उनकी। बाय द वे, मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल सुंदर सुंदर बनाना है, बिल्कुल नीट क्लीन बनाना है, इनको भी स्केचेस बोलते हैं, ये भी आर्ट है, ये भी मतलब इनमें मैंने कम टाइम लगाया, जो अब ड्रॉ करता हूँ उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ और थोड़े अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करता हूँ, बट ये भी काफ़ी अच्छा है ऐसा आर्ट में, कुछ गलत कुछ सही नहीं होता है। बट मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो कि मैं पहले मिस्टेक्स करता था। इसमें देखो, मैंने कहीं पे ग्रेफाइट का यूज़ कर दिया, कहीं पे यहाँ पे मैंने चारकोल का यूज़ किया, ओनली यहाँ पे, यहाँ पे और थोड़ी बहुत बियर्ड में, बाकी मैंने ग्रेफाइट का यूज़ किया जो कि आपको शाइन देखने को मिल रहा है, तो ये बिल्कुल भी सुंदर शाइन लग रहा है। और भी मेरे बहुत सारे स्केचेज हैं, 100-200 स्केचेज जिनमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स किए मैंने, मुझे अब लगता है, बट वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे देखने में, काफ़ी अच्छा लगता है। बट मैं आपको अच्छे वाले स्केचेज दिखाता हूँ, जैसे कि इस ड्राइंग में मैंने हेयर के लिए चारकोल का यूज़ किया था, बाकी मैंने ग्रेफाइट से शेडिंग की थी फेस पे, जो भी स्मूथ हैं, मैंने इसका ट्यूटोरियल भी अपलोड किया था किस तरह से आप बिल्कुल स्मूथ इफेक्ट ला सकते हैं। तो हेयर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब हाइलाइट्स वगैरह बिल्कुल प्रॉपरली किए हैं। अगर मैं इस तरह से दिखाऊं तो आपको आईज़ में शाइन दिख रहा है बट हेयर में बिल्कुल भी शाइन नहीं दिख रहा है, बाकी आपको बाकी के पार्ट में थोड़ा बहुत शाइन दिख रहा है जो भी डार्क एरियाज हैं। मैंने आईज़ में ग्रेफाइट का ही यूज़ किया, चारकोल का यूज़ नहीं किया। अगर मैं चारकोल का यूज़ करता तो दोनों में चारकोल का ही यूज़ करता, तो आपने ऐसे करना है, अगर आप ग्रेफाइट का यूज़ करते हो तो ग्रेफाइट का ही करो दोनों में, चारकोल कर रहे हो तो दोनों में चारकोल का ही करो। सो अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हो, अगर आप हेयर में ड्रॉ करते हो या फिर थोड़े बहुत डार्क एरियाज में ड्रॉ करते हो अच्छे से,
दोनों को मिक्स नहीं करते हो तो कुछ भी गलत नहीं है, इस तरह से आप सुंदर बना सकते हैं। मिस्टेक के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, जो कि मुझे लगता था मेरे हिसाब से इस ड्राइंग में मैंने आईज नोज़ और लिप्स में भी चारकोल का ही यूज़ किया, जो भी आपको डार्क एरिया दिख रहे हैं, और हेयर में तो किया ही है, तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रही है, आप इस तरह से कर सकते हैं। बट जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे मैंने हेयर ड्रॉ किए हैं, एक हेयर अलग से, तो इसके बारे में बात करूँ, क्योंकि इसके नीचे मैंने ग्रेफाइट से शेडिंग की है। अगर आपने बिल्कुल लाइट शेडिंग की है, स्किन की बिल्कुल स्मूथ शेडिंग की है, तो उसके ऊपर से आप चारकोल पेंसिल का यूज़ काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। सो ये भी गलत नहीं है, लाइट के ऊपर से आप चारकोल का यूज़ कर सकते हैं, बस ग्रेफाइट ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए। इसी मेथड का यूज़ मैंने यहाँ पर किया था, बस आपने ग्रेफाइट से पहले शेडिंग करनी है, उसके ऊपर से चारकोल को शार्प करके अच्छे से आप हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके क्लोथ वाले पार्ट में मैंने ग्रेफाइट का यूज़ किया था, तो आपको शाइन देखने को मिल रहा होगा क्लोथ वाले पार्ट में, बट ऊपर वाले पार्ट में दिख रहा होगा। तो क्लोथ वाले पार्ट में मैंने कंप्लीट ग्रेफाइट का यूज़ किया था, बीच में मैंने चारकोल का यूज़ नहीं किया डार्क एरियाज के लिए, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं, आप इस तरह से कर सकते हैं। इसमें भी मैंने सेम मेथड का यूज़ किया था, इसका मैंने 212 भी अपलोड किया था, तो इसमें मैंने जो फेस पे ग्रेफाइट से शेडिंग की थी, उसके बाद मैंने हेयर में चारकोल का यूज़ कर लिया था, तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। सो जैसे कि आपने देखा, मैंने काफ़ी ड्राइंग्स बनाई, जो भी मैं ड्राइंग्स बनाता हूँ उसमें हेयर में या फिर काफ़ी एरियाज में मैं डार्क एरियाज में चारकोल का यूज़ कर लेता हूँ, तो आई डोंट थिंक कि ये कुछ गलत है, और आर्ट में कुछ गलत सही नहीं होता है, बस आपको सुंदर बनाना होता है, काफ़ी अच्छे से टेक्निक्स को यूज़ करना होता है, जो कि मैंने आपको बता रखा है। तो कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, और मिस्टेक के बारे में मैंने आपको बताया जो कि मैं भी करता था और अभी भी आजकल कई बार कर लेता हूँ, तो वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, पहले ड्रॉ करने से पहले एक बार सोच लिया करो, क्योंकि हम जल्दी जल्दी ड्रॉ करने को ही करते हैं और ख़राब कर देते हैं, तो एक बार सोच लिया करो आपको ग्रेफाइट का यूज़ करना है, चारकोल का यूज़ करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप ग्रेफाइट का यूज़ कर रहे हो, मान लो आइज़ ड्रॉ कर रहे हो, तो ग्रेफाइट का ही यूज़ करो कम्प्लीट उसमें आइज़ में। अगर आप चारकोल का यूज़ कर रहे हो तो चारकोल का यूज़ करो, कहीं पे ग्रेफाइट कहीं पे चारकोल आइज़ में ऐसे मत करो, जैसे कि मैंने भी काफ़ी मिस्टेक्स किए हैं और कभी मैं अभी आजकल भी कर लेता हूँ, तो ये अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, तो अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से पेशेंस लगाओ और अच्छे से देखो कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। बाय द वे कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं आर्ट में, आप अपने हिसाब से कुछ खुद मिस्टेक्स करोगे, मैंने भी जो भी चीज़ आपको बताई है मैं खुद एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से मैंने आपको बताई है मेरी मिस्टेक्स के बारे में, और अभी भी मैं मिस्टेक्स करता हूँ और अभी भी मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ, तो मिस्टेक्स करते रहो, एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स करोगे तभी आपको आएगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको बता दिया मैं तो दोनों का यूज़ करता हूँ, ग्रेफाइट और चारकोल का यूज़ करता हूँ, और किस तरह से करता हूँ और मिस्टेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।